हेलो पीपल, वेलकम टू बाबा और कमल ई लर्निंग। तो आज आपको हम लोग के फर्स्ट लेसन आपको हम लोग बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल रिलेटेड टू कार्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हम लोग अभी आपको आपको पता है कि बुक्स हमारे पास जो आती है उसमें 1970 में क्या आया, 1920 में, कोई लोग आपको शो नहीं करती 2020 में किस टाइप की टेक्नोलॉजी आने वाली है। आप कभी भी किसी भी कंपनीज में जाएंगे इंटरव्यू के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए या फिर प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, तो कंपनी आपसे कभी ये नहीं पूछेगी कि 1970 में क्या टेक्नोलॉजी आती थी, 1820 में क्या टेक्नोलॉजी आती थी। कंपनी आपसे ये पूछती है कि करंटली 2020 में किस टाइप्स की कार आ रही है और किस टाइप्स की टेक्नोलॉजी आने वाली है। आने वाला जो फ्यूचर है हमारा ऑटोमोबाइल का वो सब इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक कार्स, ई व्हीकल्स, सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल ओवर ऑटोमोबाइल कैसे काम करता है, ऑल ओवर ऑटोमोबाइल में क्या क्या सब सिस्टम्स होते हैं, लाइक इंजन किस टाइप से वर्क करता है, आईसी इंजन किस टाइप से वर्क करता है, ट्रांसमिशन कैसे वर्क करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी, ये सारी चीजें कैसे काम करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑनली जो सोर्स है, सोर्स को आप चेंज करते हैं फ्रॉम इंजन आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या आईसी इंजन में फर्क आता है। फर्स्ट हमारा है आईसी इंजन और सेकेंड है हमारा ई व्हीकल। ई व्हीकल हम लोगों ने क्यों लिया है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक कार क्यों ज्यादा फोकस कर दी है कंपनी, या फिर हमको क्यों बेनिफिशियल है, क्यों ये चीप पड़ती है हम लोगों के लिए और रनिंग इतनी चीप क्यों है। पहला ऑप्शन है एफिशिएंसी। अगर आप अपने आईसी इंजन में जो एफिशिएंसी आती है वो आपकी 90% सॉरी 30% और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो एफिशिएंसी आती है वो आपकी 90%। अब ये एफिशिएंसी किस टाइप से हम लोगों ने जज की है आप समझिए। कोई भी हमारा आईसी इंजन है या पेट्रोल कार है या डीजल कार है, पेट्रोल कार, इसमें जब आप 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, आपने पेट्रोल फिल किया, पेट्रोल या फिर केमिकल एनर्जी या फिर फ्यूल एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल या फिर जब ये ब्लास्ट होगा केमिकल एनर्जी या फिर इंजन जब ब्लास्ट होगा इग्नाइट होगा तो हीट एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। वापस समझिए, कोई भी पेट्रोल कार या डीजल कार है उसमें जैसे आप पेट्रोल फिल करते हैं तो वो स्पार्क प्लग से पेट्रोल कार में ब्लास्ट होता है, डीजल कार में ऑटो इग्नाइट होता है डीजल, क्योंकि वो सीटेन नंबर पर रहता है, पेट्रोल ऑक्टेन नंबर पर रहता है। जैसे ये ब्लास्ट होगा उसके बाद हमारी जो एनर्जी है वो सबसे पहले कहां पे हमारे पास वो एनर्जी जाएगी, पिस्टन पर। हमारा जो पेट्रोल जो ब्लास्ट हुआ उससे सबसे पहले पावर कहां जाएगी, हमारे पिस्टन पर। पिस्टन पे जो पावर जाएगी वो रहती है 100%, मींस जो आपकी फ्यूल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किसने किया, पिस्टन ने, और वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, वो एनर्जी कितनी है 100%। और इस एनर्जी को हम लोग किस चीज से नापते हैं, वो रहता है आईपी, आईपी दैट मींस इंडिकेटिंग पावर, इंडिकेटिंग पावर। आपने सुना होगा एचपी, हॉर्स पावर ऑफ इंजन, बीएचपी, आईपी। तो इंजन में जैसे जैसे पार्ट्स हमारे अटैच होते जाते हैं वहां पर अलग अलग हम लोग इनको पावर्स को नापते हैं। पिस्टन पे हम लोग जो पावर नापेंगे वो होती है हमारी आईपी, इंडिकेटिंग पावर, कि आपने जो फ्यूल बर्न किया ब्लास्ट हुआ इंजन में उससे कितनी पावर पिस्टन को मिली है इंजन के अंदर, वो मिली है सपोज कीजिए आप 100%, इसको हम लोगों ने देखा आईपी से। अब पिस्टन के बाद जो पावर हमारी किस में जाएगी, कनेक्टिंग रॉड में, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के बाद क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के बाद फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद प्रोपेलर शाफ्ट,
प्रोपेलर शाफ्ट के बाद डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल के बाद व्हील्स में। तो आपको जो पावर मिली थी 100% पिस्टन पर ब्लास्ट से, वो पावर लॉस होते पहले जो पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यू टू मूविंग पार्ट से कनेक्टिंग रॉड ने कम की, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट ने पावर को कंज्यूम किया, फ्लाईव्हील ने पावर को कंज्यूम किया, क्लच प्लेट ने पावर को कंज्यूम किया, ट्रांसमिशन ने पावर को कंज्यूम किया, प्रोपेलर शाफ्ट ने पावर कंज्यूम किया, डिफरेंशियल ने कंज्यूम किया, और व्हील तक आते आते वो पावर सिर्फ एफिशिएंसी आपकी इंजन की कार की कितनी रह गई, ओनली 30%। मींस 70% आपकी पावर का लॉस हो गया, और लॉस किस फॉर्म में, थर्मल फॉर्म में, हीट रिलीज जो होती है आपका पूरे का पूरा व्हीकल है इंजन हीट हो जाता है, उसके लिए कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, हीट एक एनर्जी है जो कहां से पावर लेती है, इस 70% में से पूरे का पूरा व्हीकल है इंजन चैम्बर ट्रांसमिशन ये सब हीट हो जाता है, पावर यहां से लेता है, फ्रिक्शन से पावर लॉस होती है। तो मेरे कहने का मतलब आईसी इंजन पे जो हमें एफिशिएंसी मिलती है किसी भी आईसी इंजन को रन करने में वो सिर्फ मिलती है 30%, और ई व्हीकल में इलेक्ट्रिक कार में जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो मिलती है 90%। बिकॉज हमारे इंजन में अप्रोक्स अज्यूम करें तो मूविंग पार्ट्स जो रहते हैं, मूविंग पार्ट्स वो रहते हैं अप्रोक्स 100, मोर देन 100, मोर देन 100 इंजन हेड, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, टाइमिंग चैन, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन स्लीव्स, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन रिंग्स, कंप्रेशन रिंग, सेकंड वाइपर रिंग, थर्ड वन इज ऑयल सील रिंग, फिर डजन पिन, फिर क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, बहुत सारे चीजें पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है, लेयर टू लेयर हम लोग इंजीनियरिंग यूज करते हैं हर पार्ट्स के लिए लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए, फ्रिक्शन कम को लॉस को कम करने के लिए। बट 100 मूविंग पार्ट्स में जो पावर लॉस होती है वो अप्रोक्स 70% हो जाती है, और हमें एफिशिएंसी सिर्फ मिलती है 30%। और इलेक्ट्रिक मोटर में जो मूविंग पार्ट्स रहते हैं, मूविंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वो रहते हैं अप्रोक्स 10, ओनली 10 मूविंग पार्ट्स। आप कोई भी मोटर आपने देखी होगी घर में, या फिर फैन मोटर, कूलर मोटर, बाकी टाइप्स मोटर, उसमें आर्मेचर, दो हमारे पास उसमें एक फ्रंट पे एक बेयरिंग रहती है, एक लास्ट में एक बेयरिंग रहती है, कुछ उसमें ब्रशेस होती है, तो इस तरह से सारे पार्ट्स को मिला मिला के अप्रोक्सीमेटली पार्ट्स जो रहते हैं वो 10 रहते हैं। मीन्स डायरेक्टली पावर हमारी मोटर में गई और आउटपुट जो हमको मिला है, आउटपुट मिला है हमको 90%। मीन्स जो आपने बैटरी की जो पावर जा रही है, बैटरी के वोल्टेज जो हमारे इंजन में गए हैं इस एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो हमारी बैटरी की पावर इलेक्ट्रिक मोटर में गई है, इलेक्ट्रिक मोटर ने वो 100% बैटरी की पावर कंज्यूम करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया है, और उसका आउटपुट कितना कितना दिया व्हील्स पे, 90%। तो इसलिए आपका जो लॉसेस जो हो रहे थे, जो पैसा वेस्ट होता था पेट्रोल एक्स्ट्रा डालने में, वो बच गया। जितना आप बैटरी से पावर दे रहे मोटर को, उसका 90% पावर आपको कहां मिल रही है, आपके व्हील्स पे मिल रही है। इसी टाइप से जो आपकी जो इलेक्ट्रिक कार है लाइक टेस्ला, उसमें जो व्हील्स स्किड कर रहे हैं, दैट मींस कि आपने जो इलेक्ट्रिक मोटर को टॉर्क दिया है, उस टॉर्क को देने से व्हील्स स्किड हो गए हैं, इतनी पावर हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में रहती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में कंपैरिजन की एफिशिएंसी किसकी रहती है, 30% एफिशिएंसी आईसी इंजन की, 90% मोर देन 90% एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेकेंड कंपैरिजन हम लोग इसका करते हैं टॉर्क हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर रहता है उसमें टॉर्क ज्यादा रहता है रेदर देन आईसी इंजन की। थर्ड इसमें आता है स्पीड और वाइब्रेशन और नॉइज। स्पीड भी हमारी जो इसमें जो आईसी इंजन रहता है मोस्टली 300 400 किलोमीटर पे ये जा सकती है। इसमें स्पीड आईसी इंजन से ज्यादा रहती है,
वाइब्रेशन है वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं रहते, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं रहता, इंजन नहीं रहते कार में। दूसरा नॉइस, कोई भी इंजन की आवाज, कोई भी मूविंग पार्ट्स की आवाज, डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, इंजन, ट्रांसमिशन, किसी टाइप की आवाज इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बेयरिंग्स रहती है जो मूव करती है वो भी बहुत कम की डेसिबल में। आईसी इंजन में ये सारी चीजें आती हैं। सेकंड पॉइंट होती है लाइफ। लाइफ जो हमारी आईसी इंजन की रहती है वो बहुत कम रहती है, 2-3 लाख किलोमीटर पे आपको इंजन रीहॉलिंग करवानी पड़ती है, वापस से अपग्रेड करवाना पड़ता है, वापस से हम लोगों को पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, जो गियर पार्ट्स होते हैं उनको चेंज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका बैटरीज को आपको रिप्लेस करनी है। बैटरीज ऐसे फ्यूल की तरह हम यूज कर रहे हैं, हम लोग आईसी इंजन में पेट्रोल बार बार फिल करते हैं, बार बार फिल करते हैं, बार बार फिल करते हैं। इसी टाइप से हम लोग की जो बैटरीज है हम लोग इसको चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं और चार्ज करते हैं और आपका व्हीकल चलने लायक हो जाता है। आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बस एक ही प्लस पॉइंट है आईसी इंजन के पास कि आपका फ्यूल टैंक 5 मिनट में फुल हो जाता है। अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाएंगे 5 मिनट में फुल हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको मिनिमम 2 आवर मिनिमम चाहिए फुल चार्जिंग होने। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन बाकी सारी बहुत सारी कंपनियां वर्क कर रही है कि फास्ट चार्जिंग, इंस्टेंट चार्जिंग हो जाए, जिसमें हम लोग 10 मिनट में 15 मिनट में व्हीकल को चार्ज कर लें। कुछ कार्स आई भी हैं आउट ऑफ इंडिया में, लेकिन वो इंडिया में भी आई नहीं है। सो मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल के बारे में जो डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट का फर्स्ट लेसन है। अब मैं आपको थोड़ा सा आईसी इंजन के बारे में और पूरा ओवरऑल कार के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि सी कोई भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कोई भी नॉलेज होगी तो डायरेक्टली कोई आपसे आईसी मोटर के बारे में नहीं पूछेगा, बैटरीज के बारे में नहीं पूछेगा। ओवरऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट योर आईसी इंजन, अबाउट योर कार, क्योंकि कार में जितने भी सब सिस्टम्स है वो एज इट इज है, एज ए ट्रेडिशनल। सिर्फ हम लोगों ने चेंज किस चीज का किया है, इंजन को रिप्लेस करके मोटर्स हम लोगों ने लगाई है। ECU IC इंजन में भी होता है, कार्स में ECU कंट्रोलर हमारा इलेक्ट्रिक में भी होता है। तो पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मली जनरल आपके लिए के लिए कि इंजन काम कैसे करता है, कितने टाइप के रहते हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती है। इंजन IC इंजन इसको क्यों कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। दैट मींस जो ब्लास्ट होता है फ्यूल का वो कहां होता है, इनसाइड पिस्टन, पिस्टन सिलेंडर। जो फ्यूल का जो ब्लास्ट होगा वो कहां होगा, पिस्टन सिलेंडर के अंदर इंटरनली। और जो ईसी इंजन रहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, लाइक ट्रेन के इंजन है, स्टीम इंजन, उसमें स्टीम बाहर एक जो बॉयलर होता है उसमें स्टीम बनती थी, उसके बाद वो स्टीम प्रेशराइज होकर पिस्टन सिलेंडर में जाती है जिससे पिस्टन मूव करता था। हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे सिर्फ क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं। ये है आपका आईसी इंजन में ब्लास्ट अंदर होता है। इसके अलावा पार्ट्स इसमें क्या क्या होता है, किस टाइप से आईसी इंजन हमारा वर्क करता है। सबसे पहले अभी जो इंजन आ रहे हैं हमारे पास वो सब आ रहे हैं 4 स्ट्रोक। पहले जो इंजन आते थे वो आते थे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक मींस हमारा जो पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर के सबसे टॉप वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी। टीडीसी मीन टॉप डेड सेंटर, और बॉटम वाला पार्ट इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। इन दोनों के बीच में जो पिस्टन डिस्टेंस को कवर करता है बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। जो इसकी डिस्टेंस इसको स्ट्रोक लेंथ बोलता है, जो पिस्टन जो चलता है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। मींस की पिस्टन अगर टीडीसी से बीडीसी में जाएगा, बीडीसी उसने अगर अचीव कर लिया पिस्टन ने, तो ये हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी में जाएगा, 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। 2 स्ट्रोक इंजन में आप कैसे किसी इंजन को आप पहचानेंगे कि ये इंजन 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है।
सिंपली किसी भी कंपनी में, चाहे मैं आपसे पूछ लिया कि एक हमारा फोर स्ट्रोक रखा हुआ है, एक टू स्ट्रोक रखा हुआ है, आप सिर्फ उसको देख के विजुलाइज करके कैसे पता लगा सकते हैं कि ये टू स्ट्रोक है या ये फोर स्ट्रोक है? आपने नोट किया होगा जो हमारे स्कूटर्स रहते हैं या राजदूत बाइक्स थी पहले, यामा बाइक्स थी, सुजुकी बाइक्स थी, जो टू स्ट्रोक आती है उनके पेट्रोल में से ना ऑयल भी मिक्स करवाते हैं। क्यों करवाते हैं मैं आपको बताऊंगा बेसिक अभी कि आप उनके जो आप खोल के देखेंगे इंजन को ऊपर से, तो उनका जो स्पार्क प्लग था वो ऊपर टॉप हेड पे सेंटर में रहता है स्पार्क प्लग, टॉप हेड पे सेंटर में रहने का मतलब है जो हमारा हेड है उसमें इंटेक वाल्व, ना तो कोई इंटेक वाल्व है, ना कोई एग्जॉस्ट वाल्व है, ना कोई टाइमिंग चेन है, ना कुछ कैमशाफ्ट है, कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ पिस्टन सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, हेड, और हेड में सिर्फ और सिर्फ एक स्पार्क प्लग है जो कि हेड में सेंटर में लगा रहता है। इस टाइप के इंजन क्या रहते हैं, टू स्ट्रोक। और फोर स्ट्रोक में जो अभी जितनी भी बाइक्स आ रही है, पल्सर, अपाचे, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, जो भी बाइक देखेंगे आप देखिएगा उनको जो उनके पिस्टन सिलेंडर में जो स्पार्क प्लग रहता है वो साइड से लगा रहता है, इस साइड से या फिर इस साइड से इंक्लाइन। इंक्लाइन क्यों? जैसे हम लोग ये मैंने जो लाइट जो मार्किंग की है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका पिस्टन सिलेंडर, ये आपका पिस्टन है जो कि क्रैंकशाफ्ट से अटैच है, इसके ऊपर हमारा पिस्टन हेड है, और हेड में क्या क्या चीज इसमें लगी हुई है, एक इंटेक वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व, एक साइड से स्पार्क प्लग, वाल्व को ऑपरेट ओपन और क्लोज करने के लिए रॉकर, और रॉकर को ऑपरेट करने के लिए कैमशाफ्ट, और कैमशाफ्ट को ऑपरेट करने के लिए टाइमिंग चेन जो कि किससे कनेक्ट रहती है, हमारी क्रैंकशाफ्ट से। तो अगर आप कोई भी इंजन देखते हैं तो आप उसको देख के पता लगा सकते हैं वो इंजन फोर स्ट्रोक है या टू स्ट्रोक है। अगर हेड पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है दैट मींस वो टू स्ट्रोक है, और साइड से स्पार्क प्लग लगा हुआ है दैट मींस कि फोर स्ट्रोक है, उसमें हेड भी है, इंटेक वाल्व भी है, एग्जॉस्ट वाल्व भी है, सारी चीजें हैं। तो ये हम लोग टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं। अब हम लोग अगर अभी जो करंटली हमारे जो इंजन आ रहा है फोर स्ट्रोक आ रहा है, फोर स्ट्रोक के हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करते हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम लोग ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसमें कवर करते हैं। मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल तक जाने से पहले, पर ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग पे जाने से पहले। ओके, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर, ये हमारा पिस्टन, पिस्टन से कनेक्ट हमारी कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से हमारी कनेक्ट है क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन। पिस्टन में जो रिंग्स होती है वो तीन टाइप की रिंग हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग। मींस आपका जो पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर में अगर अप डाउन मूव कर रहा है, अगर कोई पिस्टन सिलेंडर हमारे पिस्टन सिलेंडर में अप डाउन मूव कर रहा है, तो पिस्टन सिलेंडर की इंटरनल वॉल और पिस्टन का आउटर जो वॉल है उसके बीच में कुछ स्पेस होता है तभी वो ऊपर नीचे मूव कर पाएगा। अगर स्पेस नहीं होगा तो वहीं के वहीं वो जाम हो जाएगा, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता पिस्टन, पिस्टन सिलेंडर के बीच में मूव करता है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस जो क्रिएट होता है, जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पिस्टन रिंग्स। ऊपर की जो रिंग्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग, क्योंकि जो भी पिस्टन सिलेंडर में ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट जो प्रेशर है वो हैमरिंग इफेक्ट किस पर लगाएगा, पिस्टन पे नीचे उसको पिस्टन को जाने के लिए। बट अगर पिस्टन रिंग नहीं होगी तो ये ब्लास्ट की पावर है, ये पावर साइड से लीक होकर कहां पहुंच जाएगी, नीचे, और जो ब्लास्ट जो पिस्टन में जो फोर्स लगाना था वो लीक होकर फोर्स कहां चला गया, चैम्बर में। तो इसको हम लोग एयर टाइट करने के लिए, सील करने के लिए हम लोग रिंग्स लगाते हैं कंप्रेशन। तो ऊपर जो रिंग्स जो लगी रहती है पिस्टन सिलेंडर पे, दो रिंग्स इस टाइप से रिंग्स होती है, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग। ऊपर की जो दो रिंग इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, सेकेंड वन इज कंप्रेशन रिंग, और सबसे नीचे ऑयल सील रिंग, क्योंकि इंजन के चैम्बर में जो भी ऑयल रहता है वो ऑयल नीचे से ऊपर ना आए पिस्टन सिलेंडर के अंदर कंबशन चैम्बर में, तो उसको ऑयल को सील करने के लिए ऑयल सील रिंग लगाते हैं। काफी बुक्स में, काफी इंटरव्यू में आपसे ये दोनों की रिंग्स का नाम अलग अलग रहता है, लाइक फर्स्ट रिंग इज कंप्रेशन रिंग, सेकेंड रिंग इज वाइपर रिंग, वाइपर
थर्ड रिंग इज ऑयल सील रिंग, मींस जो पहली जो रिंग थी हमारा उसका काम था जो ब्लास्ट का जो कंप्रेशन है उसको सील करना, वो पूरा ब्लास्ट ऊपर ही रहे। बीच की जो रिंग है वो वाइपर रिंग है कि इन केस अगर फर्स्ट रिंग वीक होगी, इन केस ऊपर से कुछ भी थोड़ा सा ब्लास्ट या प्रेशर लीक हो गया सेकंड रिंग पे आएगा तो सेकंड रिंग उसको 100% एयर टाइट कर देगी, उस प्रेशर को नीचे नहीं जाने देगी, ओवरऑल पिस्टन रिंग को ही ऊपर नीचे करेगी। थर्ड है ऑयल सील रिंग, नीचे से अगर कोई ऑयल आएगा तो ये ऑयल को ऊपर नहीं जाने देगी, इन केस अगर आपका इंजन वीक हो गया, 1 लाख किलोमीटर रन हो गया, अगर बाइक का इंजन 20,000 किलोमीटर इंजन रन हो गया तो नीचे से जो ऑयल है वो लीक होके ऊपर अगर आप चला भी गया, इनकेस तो वाइपर रिंग उसको वहीं की वहीं रोक लेगी। जैसे कार में वाइपर्स रहते हैं हमारे पानी को साफ करने के लिए रेनी सीजन में, उसी टाइप से वाइपर रिंग हमारी रहती है जो कि ऊपर और नीचे की रिंग्स को सेपरेट करके रखती है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये रहती है हमारी रिंग्स। पिस्टन के संग संग ही हमारा कनेक्शन जो रहता है वो रहता है हमारा कनेक्टिंग रॉड से और क्रैंक शाफ्ट से। तो मेन जो पावर सोर्स है आपके इंजन का वो रहता है हमारा क्रैंक शाफ्ट, और एक क्रैंक शाफ्ट हमारा नीचे इंजन जो चैम्बर रहता है चैम्बर में माउंट रहता है। जो कि क्या करती है क्रैंक शाफ्ट रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी में कन्वर्ट करती है, और इसके लिए बहुत डीपली नॉलेज जो टॉपिक वाइज हम लोगों ने ऑटोमोबाइल जो ट्रेनिंग के ऑनलाइन कोर्सेज में बताया यहां पर सब बेसिक हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक हम लोग इसकी बात करें इसका मटेरियल क्या होता है, वो रहता है हाई स्पीड स्टील, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के वर्कशॉप में जो ब्लेड मशीन में कुछ पार्ट्स आपने बनाए होते हैं टूल जिसमें हम यूज करते हैं वो रहता है आपका हाई स्पीड स्टील, क्योंकि इसका जो बॉडी पॉइंट है टेम्परेचर है हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा रहती है। जो हमारे इंजन के जो ब्लॉक्स रहते हैं इंजन ब्लॉक्स जिसमें हमारा पूरा सिस्टम रहता है, ये रहता है हमारा मोस्टली कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का रहने का रीजन क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में जैसे आपकी कॉलेज में कोई मशीन देखेंगे या फिर बाहर आपके इंडस्ट्री में जो मशीन देखेंगे उनके जो लेफ्ट बेड रहते हैं जिसमें मशीन फाउंडेशन जो मशीन का होता है वो टिका रहता है या फिर जो फाउंडेशन है मशीन का वो कास्ट आयरन का रहता है। जो ट्रक्स के इंजन है हैवी व्हीकल इंजन है वो सब कास्ट आयरन के क्यों रहते हैं, आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मैं आपको बताता हूँ। कास्ट जो कास्ट आयरन जो रहता है वो टू टाइप्स के रहते हैं, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग इंजन ब्लॉक में यूज करते हैं क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा एडवांटेज होती है, बाकी बहुत सारे एडवांटेज है। फर्स्ट इज ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग की तरह काम करता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, और सेकंड है इसमें सेल्फ डैम्पिंग प्रॉपर्टी। डैम्पिंग मतलब जो भी कोई भी वाइब्रेशन आते हैं वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करना, उसको बोलते हैं डैम्पर्स। तो कोई भी अगर आपका हैवी ड्यूटी इंजन है अगर उसमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, कोई भी अगर क्रैंक शॉफ्ट चल रही है कनेक्ट रॉड चल रही है इंजन ऑयल का प्रेशर है अंदर पूरा का पूरा व्हीकल वाइब्रेशन कर रहा है, तो इंजन का जो ब्लॉक है वो कुछ परसेंट इंटरनली कुछ पार्ट्स को सेल्फ लुब्रिकेंट भी करता प्रोवाइड और सेल्फ डैम्पिंग भी, जो भी झटके आते वाइब्रेशन आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए बड़ी जो मशीन है इंडस्ट्रीज में या आपके जो आपने कॉलेज में आप देखो वर्कशॉप में उनके जो लेथ बेड रहते हैं जो मशीन के फाउंडेशन है वो सब कास्ट आयरन के रहते हैं, क्योंकि उनमें दो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रहती है वाइब्रेशन का अब्सॉर्ब करना और सेल्फ लुब्रिकेटिंग। इसके अलावा ग्रे कास्ट आयरन का मतलब होता है ग्रे मतलब इसमें जो ग्रेफाइट रहता है वो प्रेजेंट रहता है। तीन टाइप के लुब्रिकेंट्स हमारे पास रहते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट सेमी सॉलिड और एक लिक्विड। लिक्विड में क्या आता है आपका इंजन ऑयल या मोबिल जो भी है। सेकंड में आता है आपका सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड मींस कि जो भी आपकी ग्रीस है ग्रीस टाइप्स की जो है वो आपकी सेमी लिक्विड में आकर खड़ा आती है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड में आता है आपका ग्रेफाइट। हम लोग लिक्विड लुब्रिकेशन को वहां यूज करेंगे जहां पे आपका क्लोज सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है वो क्लोज है और उसमें हम लोगों के पास चारों तरफ से इंटरनली वॉल्स है बाउंड्रीज है उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स है उनको लुब्रिकेट करने के लिए हम लोग लिक्विड यूज करते हैं बाहर ना फैले। सेकंड जो हम लोग यूज करते हैं ग्रीस, जैसे जिसमें जो आपका चैम्बर है वो पूरा सील नहीं है
जैसे आपका बेयरिंग्स होगी, बेयरिंग्स ओपनली मूव करती रहती है, लेकिन उन बेयरिंग्स की बॉल है उनके लिए ग्रीस चाहिए आपके लिए, या फिर जो बाकी के जो इंजन के गियर्स रहते हैं, तो ये जो सेमी सॉलिड में जो ग्रीस है वो अडेयर रहता है पार्ट्स से, उसमें अडेसिव टेक्नोलॉजी रहती है कि वो चिपका रहे पार्ट्स से, लेकिन हम लोग वहाँ पे ऑयल यूज नहीं कर सकते। ऑयल यूज करने के बाद कुछ टाइम बाद ही ऑयल बह के वो वेस्ट होकर नीचे फैल जाएगा, लेकिन जो ग्रीस है वो गियर्स पे या फिर बेयरिंग्स पे अटैच रहती है अडेसिव। थर्ड आता है जहाँ पर ऐसे पार्ट्स जहाँ पर आप ना ग्रीस यूज कर सकते हैं ना ही आप वहाँ पर लिक्विड यूज कर सकते, जैसे कोई भी दो इंडस्ट्री में स्लाइडिंग मिल्स हैं, दो पार्ट्स से स्लाइड जो आपस में इस तरह से स्लाइड करते हैं, अगर आप इसके भी बीच में ऑयल डालेंगे तो ऑयल भी लीक होकर साइड से बह के निकल जाएगा, ग्रीस डालेंगे ग्रीस भी कुछ टाइम वो लीक होकर साइड से बिना चालू कर देगी। इसके बीच में दो मूविंग पार्ट्स के बीच में हम लोग पूरी की पूरी ग्रेफाइट की लेयर लगाते हैं, लाइक एक पार्ट एक लेयर, ये हमारा ग्रेफाइट लेयर और एक दूसरा मूविंग पार्ट, तो दो सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट लेयर मिल गई ग्रेफाइट की, जो कि सॉलिड स्टेट में रहती है, जो कि इन पार्ट्स को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाती है वियर टियर ना होने के लिए, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ग्रेफाइट रहती है कास्ट आयरन में, इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन यूज करते हैं इंजन ब्लॉक्स को बनाने में। बेसिक डिटेल आपको पता है इंजन की कि क्या चीज है, पिस्टन क्या होता है, इंजन क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी इंजन है इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं, उसमें जो स्पार्क प्लग है पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग है उसमें कितना वोल्टेज जाता होगा जिससे वो पेट्रोल ब्लास्ट हो सके, आप सुनिए, कोई भी पेट्रोल इंजन है चाहे वो कार का है चाहे वो आपकी बाइक का है, उसके स्पार्क प्लग में कितना वोल्टेज जाएगा जिससे वो जो आपका पेट्रोल है फ्यूल है ब्लास्ट हो जाए, बताइए कुछ आइडिया आपको, आपको जान के हैरानी होगी, मिनिमम 12,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट से लेके अप्रोक्स 42,000 वोल्ट जो आपकी जैसे कुछ छोटी स्कूटीज आती है 100 cc या 0 को आती थी पहले 60 cc, तो वहां पर जो कम सीसी के अंदर है वहां पर कम वोल्टेज आपको चाहिए होता है स्पार्क प्लग को ब्लास्ट करने के लिए 12,000, और जैसे कार्स वगैरह हैवी जो इंजन है 4 cylinder 6 cylinder कार्स के इंजन है उनमें आपको मिनिमम 42,000 वोल्ट चाहिए, क्योंकि देखिए आपके कोई भी आपका 12 वोल्टेज जो हमारे बाइक्स में रहता है बैटरीज में रहता है 12 वोल्टेज एक प्लस है एक माइनस है, जब तक आप उन दोनों को टच नहीं करेंगे तब तक उनमें स्पार्क नहीं होगा, वापस देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जब तक आप इन दोनों वायर को स्पार्क नहीं करेंगे जब तक इनमें स्पार्क नहीं होगा। 220 वोल्टेज की बात कर लीजिए, आपके घर में रहती है 220 to 240 वोल्टेज, दोनों वायर अलग अलग है, एक आपका प्लस है एक आपका माइनस है, दोनों में स्पार्क तब तक नहीं होगा जब तक आप उनको टच नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये चीज आपने जरूर देखी होगी कि जो 11,000 kV की हाई टेंशन लाइन जो लाइन्स रहती है हाईवेज पे या गांव में आपने देखा होगा बहुत जगह, या फिर 10th higher voltage की लाइन होती है आपने सुना होगा, वो 2-3 फुट से ही लोगों को खींच लेते 2-3 फुट से ही, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता और जो बीच में जो गैस रहती है वो आयनाइज्ड हो जाती है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट को वहां से खींच सकती है अगर वोल्टेज हाई है तो। अब आपको पता होगा स्पार्क प्लग के बारे में, बेसिक मैं आपको और थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर दूँ कि बाद में आप लोग अगर कुछ भी सब्जेक्ट कार में तो आपको इशू ना आएगा, जो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग है या नॉर्मल कार की वायरिंग है। स्पार्क प्लग में एक आता है हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड और इसके साथ 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 ही एक रहता है हमारा ग्राउंड इलेक्ट्रोड और इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर रहता है व्हाइट कलर का, आपने स्पार्क प्लग देखा होगा तो उसमें साइड से वो व्हाइट टाइप से रहता है व्हाइट इंसुलेटर, तो दोनों ग्राउंड सेंटर इलेक्ट्रोड को दोनों को अलग अलग रखता है। अगर आप सिर्फ नीचे की बात करें इस पोर्शन की बात करें तो इसमें जो सेंटर इलेक्ट्रोड है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड है इसके बीच में गैप रहता है, इस टाइप से गैप रहता है जो बीच में है, आपने अगर सर्विसिंग टाइप की देखा होगा बाइक्स में कार में सर्विस कराते हैं, इसके कुछ एनिमेटेड वीडियो में आपको अभी मैं बता दूंगा, जैसे स्पार्क प्लग के बीच में जो भी स्पार्क अगर ब्लास्ट होगा स्पार्क तो टच होगा तो 220 वोल्टेज 12 वोल्टेज टच कर सकता है, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस है तो अगर आप 220 वोल्टेज देंगे 240 वोल्टेज देंगे तो उसमें स्पार्क जनरेट नहीं होगा, इसलिए मिनिमम आपको 10 से 12,000 वोल्टेज देना पड़ता है जिससे इसके बीच में गैस आयनाइज हो जाए
आयंस चार्ज हो जाए और यहाँ पे चिंगारी जो होती है एक ब्लास्ट होता है वो जनरेट हो पाए, इग्नाइट हो पाए जो पेट्रोल को ब्लास्ट करते। तो ये हमारा इसका प्लग बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन जो होता है हमारा उसमें जो फ्यूल रहता है पेट्रोल या फिर गैसोलीन वो हमारा काम करता है ऑक्टेन नंबर पे, ऑक्टेन नंबर। और जो हमारा डीजल इंजन रहता है ये हमारा इसका जो फ्यूल जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो किया है C10 नंबर, सीट नंबर। जल्दी से आप समझ लीजिए उसको ऑक्टेन नंबर मीन कि जो जो कार्बन की जो चेन है इसमें ये चेन रहती है स्ट्रेट वाइज, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। तो इसमें कार्बन मतलब बहुत कम रहता है ऑक्टेन नंबर में, और C10 नंबर रहता है इसमें कार्बन 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 कार्बन। फिर इसकी चेन है, चेन इसकी इस टाइप से ब्रांच वाइज इसकी चेन होती है, और इसलिए इसमें जो कार्बन रहता है बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हमारा जो फ्यूल है वो बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए हमारा स्पार्क प्लग इतना कैपेबल नहीं होता कि इसको ब्लास्ट कर दे। इसलिए हमारा जो डीजल इंजन रहता है ऑटो इग्नाइट इंजन रहता है जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में जाता है फर्स्ट स्ट्रोक में, तो वो बाहर से एयर को सक करता है और जब वापस से एयर इंटेक वाल्व बंद हो जाता है जब सेकंड स्ट्रोक चालू रहता है बीडीसी से टीडीसी पे जाने पर, तो जो एयर उसने जो इंटेक की थी उसने वो कंप्रेस होकर कंप्रेस होकर कंप्रेस होकर उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस के अप्रोच हो जाता है। और उसी टाइम में जब फ्यूल इंजेक्टर स्प्रिंकल करता है फ्यूल, तो जैसे वो 2200 डिग्री के टेम्परेचर में आता है तो वहां से वो फ्रिक्शन से ब्लास्ट हो जाता है, ऑटो इग्नाइट होता है इंजन। इसीलिए हमारा जो डीजल इंजन है उसमें नॉकिंग बहुत ज्यादा रहती है। डीजल इंजन भी आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे कार में CRDI, CRDE, MPFI, इस टाइप के ये बहुत सारे इंजन आपने देखे होंगे। MPF मीन्स कोई भी आपका इंजन है उसमें पंप लगा रहता है MPFI। अगर आपके पास चार सिलेंडर इंजन है 1, 2, 3, 4, इसमें चार चैप्टर हैं 1, 2, 3 और 4, चारों इंजेक्टर हमारे जो हाई प्रेशर पाइप से किससे हैं कनेक्टेड, हमारे MPFI से। वापस समझिए, ये आपका पिस्टन सिलेंडर का हेड है, यहाँ पर चार इंजेक्टर लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, और चारों जो जो हमारी पावर है वो ये किससे अटैच है, हमारे MPFI मींस मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। ये पावर किससे लेता है, टाइमिंग बेल्ट के थ्रू या टाइमिंग गियर के थ्रू, क्रैंकशाफ्ट से। जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे क्रैंकशाफ्ट से पावर किसमें जाएगी, MPFI में, और जैसे MPFI में जाएगी तो यहाँ से फ्यूल हाई प्रेशर से जाने लग जाएगा हमारा इंजेक्टर में। एक इंजेक्टर को मिनिमम 450 PSI चाहिए, 450 PSI ब्लास्ट करने के लिए प्रेशर पर स्क्वायर इंच। तो अज्यूम कीजिए कि आपका ये इंजेक्टर है, इसको अगर 450 PSI चाहिए तो इस 450 PSI इसको जनरेट करने के लिए इसका जो हाई प्रेशर पाइप है, इसमें आपने FM में आपने पढ़ा होगा, या फिर आप बहुत सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, घर में एक पानी की एक मोटर है, उसमें एक पाइप आपने जो मोटर उसमें लगा दिया और एक पाइप आप उसको थोड़ा सा दूर 10 फुट या 20 फुट दूर ले गए, तो जो मोटर से प्रेशर जो पाइप में जा रहा है वो प्रेशर आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगा, ड्रॉप होकर मिलेगा, क्योंकि जो पाइप के अंदर जो इंटरनल वॉल है सरफेस का फ्रिक्शन से वो प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा। और अगर आप उसी पाइप को उसमें बेंट दे देंगे 10-15 बेंट दे देंगे, पाइप यूं फ्री ऊपर नीचे जाएगा, तो जितना बेंट आता जाएगा उतना प्रेशर टकरा के बेंट पे कम होता जाएगा। तो जो हमारा MPFI रहता है ये इंजन के नीचे अटैच रहता है क्रैंकशाफ्ट के पास, और जो इंजेक्टर रहता है वो पूरे कार के हेड पे, इनमें अप्रोक्स जो डिस्टेंस रहता है 1 फीट का इनमें डिफरेंस रहता है इंजेक्टर और MPFI में। और इनके जो जो हाई प्रेशर पाइप रहते हैं इनमें भी बहुत सारे बेंट्स रहते हैं, तो अगर आपको एक इंजेक्टर को 450 PSI चाहिए तो यहाँ पर MPFI को यहाँ पर कितना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 750 PSI। तब 750 PSI प्रेशर में जाते 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 क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा तब यहाँ पर आते आते इसको कितना प्रेशर मिलेगा, 450 PSI। मींस कि आपका जो MPFI पंप है वो इंजन से दुगनी पावर ले रहा है आपके इंजेक्टर को पावर देने के लिए। इसलिए हमारे जो अभी की जो कार्स हैं या जो भी अब जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो सब MPFI में नहीं आ रहा, अभी आ रहा है CRDL। MPFI कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपको ज्यादा पावर चाहिए, जो ट्रक्स हैं, क्रेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनमें इंजन है जहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि इंजन कितना लोड क्या एवरेज हमें मिल रहा है, आपको ये देखना है कि इंजन में पावर हमें मिलनी चाहिए। कार में हम लोग को एफिशिएंट इंजन चाहिए तो हम लोग इनमें क्या यूज करते हैं,
CRDF या CRDE, आपने दोनों चीज में आप बहुत शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ, CRDI और CRDE, ये दोनों अलग चीजें हैं। CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जो हमारे जैसे आप बोलेरो देखेंगे, आवाज सुनेंगे बोलेरो के ट्रैक्टर की, उनमें इंजेक्टर रहता है, मींस इंजेक्टर सेम है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर यहाँ पर इंजेक्टर सेम लगा हुआ है, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक कॉमन रेल लगाई, ये पाइप आप समझिए ये है इसका कॉमन रेल, और जो जो एक कॉमन रेल है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पंप। अब हमारा जो नीचे फ्यूल टैंक है, जब हम लोग स्विच को स्टार्ट करेंगे तो उस फ्यूल टैंक में से फ्यूल को सक्शन करेगा इलेक्ट्रॉनिक पंप, और ये पंप इस पूरे कॉमन रेल में कॉमनली 450 से अबव प्रेशर जनरेट करके रखेगा। वापस देखिए, आपके पास कोई पाइप है, ये वाला यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे प्रेशर से पावर फ्यूल टैंक से आके फ्यूल कनेक्ट होगा पूरे सिस्टम में, इस पाइप में, इसको बोलते हैं कॉमन रेल। और इस कॉमन रेल के अंदर हम लोगों ने चार होल कर दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। वापस देखिए, कॉमन रेल में चार होल कर दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और चारों में हम लोगों ने इंजेक्टर लगा दिया, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली कॉमन रेल लग गया। अब जैसे ही फायरिंग ऑर्डर आएगा, फायरिंग ऑर्डर मीन्स की 1 4 3 2, जैसे पिस्टन में जो ब्लास्ट होता है, चार सिलेंडर है, 1 2 3 4, पहले ब्लास्ट होगा फर्स्ट में, फिर होगा 3 में, फिर होगा 2 में, फिर होगा 4 में, या फिर 1 4 3 2, पहले में ब्लास्ट होगा, 4 में, 1 2 3 4 नहीं कर सकते क्योंकि पहले फर्स्ट में ब्लास्ट हो गया, फिर सेकंड में हो गया, फिर थर्ड में हो गया, फिर फोर्थ में हो गया, ऐसा कर देंगे तो क्रैंक शाफ्ट आपकी बेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये आपकी क्रैंक शाफ्ट पे चार पिस्टन इसमें ये लगे हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसे ही आप हेमरिंग इफेक्ट आएगा, फर्स्ट जब इंजन स्टार्ट होगा तो पहले जो पिस्टन सिलेंडर ब्लास्ट करेगा, प्रेशर कहां आएगा आपके क्रैंक शाफ्ट के इस वाले पार्ट पे, तो यहां पर ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, और फ्लाईव्हील आपको कहां लगा हुआ, इस एंड पे। फिर अगर दूसरा ब्लास्ट, अगर दो चार है, अगर पहले में ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर फोर्स आ गया, दूसरे में ब्लास्ट होगा, तो ये वाला जो एक साइड है, क्रैंक शाफ्ट की एक साइड है, यहाँ पर ही पूरा की पूरा फोर्स आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और यहाँ पर ये शाफ्ट बेंड हो सकती है, टूट सकती है, ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स। इसलिए बेंड, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरिंग ऑर्डर, मींस पहले इसमें ब्लास्ट हुआ फर्स्ट में, फिर चौथे पिस्टन ब्लास्ट हुआ, 1 4, मतलब पहले यहाँ पर वेट आया, फिर यहाँ पर वेट आया, दोनों शाफ्ट के एंड में वेट आ गया, वेट वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर तीन में या दो में, या फिर 1 3 4 2, इस टाइप से दो फायरिंग ऑर्डर हम लोग यूज करते हैं फोर सिलेंडर कार में। इसके साथ साथ ही हीट का भी इशू होता है कि अगर चार सिलेंडर है आपके, 1 2 3 4, अगर पहले में हीट अगर ब्लास्ट हुई है, तो अगर 2200 से 2300 डिग्री टेम्परेचर जनरेट हुआ है, तो इसके बाद अगर तुरंत आप इसमें दूसरे ब्लास्ट करेंगे फायरिंग ऑर्डर में, तो इस टाइप का जो इसका इस साइज का जो हमारा जो पिस्टन जो सिलेंडर है, जो हमारी जो वाटर गैलरीज है, पिस्टन का जो पिस्टन सिलेंडर है, सिर्फ एक पार्ट पे आगे वाले पार्ट पे इतना ज्यादा हीटअप हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली इंजन सीज भी हो सकता है। इसलिए पहले हम लोग एक में ब्लास्ट देते हैं, फिर दूसरे फोर्थ सिलेंडर में देते हैं, या फिर पहले फर्स्ट में, फिर थर्ड में। तो इस टाइप से हम लोग हीट को अलग अलग थोड़ा सा गैप देने के लिए हम लोग फायरिंग ऑर्डर करते हैं, और दूसरा क्रैंक शाफ्ट को हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉमन रेल है, 1 2 3 4, चार इसमें इंजेक्टर लगे हुए, तो इसमें इंजेक्टर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स रहते हैं, जो कि कौन कंट्रोल करता है, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि फायरिंग ऑर्डर से इनको करंट देती है कि किस इंजेक्टर को खुलना है। समझिए, पहला पिस्टन सिलेंडर है, हम लोगों ने इंजन स्टार्ट करेंगे, तो हमें इस फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल चाहिए, इसमें पहले पिस्टन सिलेंडर में। मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन रेल है, चारों 1 2 3 4, चारों से इंजेक्टर से कनेक्टेड, हमें सर फ्यूल किसमें चाहिए, फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाल्व से आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व इसमें लगे हुए हैं, तो जैसे हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे फायरिंग ऑर्डर, पहले में हमारा फायरिंग ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो ECU करंट देके इस वाले फर्स्ट इंजेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक वाल्व को ओपन कर देगा, जो भी प्रेशर था 450 वो किसमें आ जाएगा, पूरा फर्स्ट में आ जाएगा, बिना किसी पावर लॉस के, क्योंकि MPFI में तो पंप यहाँ था, पाइप से होते होते इंजेक्टर में जा रहा था, यहाँ पर पूरा प्रेशर इंजेक्टर से होकर यहाँ पर मिल गया, कोई पावर आपने क्रैंकशाफ्ट से नहीं ली, तो इंजन के एवरेज भी अच्छे हो गए, इंजन पर लोड पड़ना बंद हो गया, और डायरेक्टली इजीली आपको जो बल्की सिस्टम थे, जो महंगे जो MPFI सिस्टम 1-1 लाख रुपए की कॉस्ट आती थी, वो हटा के सिंपली हम लोगों ने CRDI सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कार में।
अब इसमें दो चीजें होती हैं, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं CRDI means common rail direct engine। एक कॉमन रेल है उससे इंजेक्टर काम लगे हमारे पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो पूरा प्रेशर इसमें जा रहा है। इसमें जो ब्लास्ट होगा वो डायरेक्टली होता है, इसलिए आवाज इसमें बहुत ज्यादा आती है। ये रहता है हमारा CRDI। अब दूसरे की बात करें CRDE, चीजें सारी वही रहती है, ये हमारे इंजेक्टर 1 2 3 4 सारी चीज वही है। ये हमारा फ्यूल पंप है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पंप है, ये हमारा कॉमन रेल है, ये हमारे चार इंजेक्टर है, इसमें स्विच हमारे लगे हुए हैं। लेकिन जो इसका इंजेक्टर से जो फ्यूल जाएगा स्प्रिंकल होगा वो डायरेक्टली पिस्टन सिलेंडर में नहीं जाएगा। वापस समझिए, जो इंजेक्टर से जो फ्यूल जाएगा वो डायरेक्टली पिस्टन सिलेंडर के अंदर नहीं जाएगा, पहले वो प्री कंबस्टन चैम्बर में रहेगा। प्री कंबस्टन चैम्बर दैट मींस कि जो पिस्टन सिलेंडर का हेड है उसमें छोटा सा एरिया रहता है। आप समझिए, एक आपका इतना बड़ा बाउल है, उसमें पूरे में पेट्रोल भरा हुआ है, आप मान सकते हैं ब्लास्ट लगाई आवाज आएगी, भूफ ऐसे आवाज आएगी। एक छोटा सा बाउल है, बिल्कुल छोटा सा, उसमें थोड़ा सा आपका फ्यूल है, उसमें बात करेंगे तो उसके बाद आपको शायद आएगी भी नहीं, थोड़ी सी आएगी लेकिन आवाज आपको मिलेगी। तो मतलब कहने का मतलब है छोटे एरिया में अगर ब्लास्ट होगा तो वो आपको नॉकिंग नहीं करेगा, ब्लास्ट नहीं करेगा, और अगर बड़े एरिया में करेंगे तो ब्लास्ट करेगा। तो CRDI में क्या होता था कि इंजेक्टर पूरे पिस्टन सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट करता था, तो पूरी नॉकिंग और वाइब्रेशन होते थे। और CRDE में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजन में एक प्री कंबस्टन चैम्बर रहता है जिसमें एक इंजेक्टर रहता है और एक डीजल हीटर रहता है। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे डीजल हीटर हीट करेगा और यहाँ से जैसे ही फ्यूल आएगा इंजेक्टर से, पहले वो प्री हीट हो जाएगा और प्री हीट होकर वहां पर वो ब्लास्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाएगा और आग लगने के बाद फिर वो किस्मत पूरे चैम्बर में ऑटोमेटिक फैलेगा। ये रहता है CRDE। तो अभी जितनी भी कार्स है, स्कॉर्पियो है, टाटा सफारी है, जितनी भी कार्स है डीजल, सब कौन से इंजन है CRDE। आप कोई भी उसमें कॉमन रेल भी है इंजेक्टर में, बाहर से देखने में आपको लगेगा हाँ ये कॉमन है। कंपनी में बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि CRDE और CRDE में क्या फर्क है। एक में डीजल हीटर है, एक में डीजल हीटर नहीं है। अभी आप कोई भी कार देख लीजिए, स्विफ्ट देख लो, डिजायर देख लीजिए, टाटा की देख लीजिए, स्कॉडा देख लीजिए, सब में डीजल हीटर आ रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही। आपको अगर CRDE इंजन देखा तो आप बोलेरो को देख सकते हैं जो आवाज करता है, कंट्रेवर महिंद्रा थार देख सकते हैं कंट्रेवर आवाज करता है, तो वो रहता है CRDE। तो ये बेसिक मैंने आपको इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग को जाने से पहले आपको पूरा कार का पता रहना चाहिए ये चीजें कैसे काम करती है। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो, आपको एक एनिमेशन वीडियो से आपको मैं समझाता हूँ कि ये IC इंजन कैसे काम करता है, जिसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर ये इंजन कैसे लगा रहता है, गियर कैसे लगा रहता है, कार में कैसे अटैच रहता है, उसका इलेक्ट्रिक मोटर कैसे अटैच करेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो देखिए। Engine generates power from the expansion of compressed air in a contained cylinder with the help of fuel. That is why it's called as an internal combustion engine. Before getting into the working, let's see the main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a rotational force. Next, the pistons and the piston rods. The pistons will be pushed down by the expansion of compressed air, and turns the crankshaft. And the valves, which controls the flow of air and fuel into the cylinders. These valves are driven by the intake camshaft, and the exhaust camshaft, and the camshafts are driven by the crank itself, using a timing belt. There will be idler pulleys, and a tensioner pulley, to hold the belt tight in place. This here is the internal structure of a four-stroke inline four-cylinder DOHC engine, which is commonly found in most hatchback and sedan cars. A four-stroke engine should pass through four different strokes to complete one cycle to produce power. They are intake, compression, power, and exhaust stroke. The crank to camshaft ratio is 2:1. Which means it will take two crank revolutions to complete one camshaft revolution. And the camshafts are designed in a responsive manner to open or close based on the corresponding strokes of each cylinder. Let's take a look at a single cylinder and see how a four-stroke engine works in detail. In order to ignite the air-fuel mixture, a spark plug is used. This will ignite the compressed air-fuel mixture with the help of an electrical spark. We will take it down by each stroke. The intake stroke
The inlet valve opens and the downward movement of the piston creates a suction. This pulls the air-fuel mixture into the cylinder. Once the air-fuel mixture is in the cylinder, compression stroke begins compressing the mixture. At this time both inlet and outlet valves stays closed. At the end of compression stroke, the air-fuel mixture is ignited by the spark plug. The explosion exerts pressure and pushes the piston down. This is the power stroke which produces power to the crank. At the exhaust stroke, the outlet valves opens and the piston pushes out the burned gas. The cycle starts again from intake stroke, keeping the engine running and produces power. For a carburetor engine, the air and fuel are mixed inside the carburetor assembly and fed to the cylinders. In the case of a fuel-injected engine, the fuel is injected into the intake manifold or directly into the cylinders. Since only a power stroke produces power, you may wonder how the engine turns continuously. Well, the answer is in the crank itself. The flywheel and the crank counterweights provides momentum, which keeps the crankshaft from stopping immediately. For a four-cylinder engine, considering any time instance, one cylinder is always in power stroke, which produces more power and less vibrations comparing to a single cylinder engine. And that is how a car engine produces power in simple. जो ट्रेडिशनल कार है उसमें पावर ट्रेन कैसे काम करती है या फिर इलेक्ट्रिकल की पावर ट्रेन कैसे काम करेगी, कैसे आप स्टॉप करते हैं, किस टाइप से कहाँ मोटर होती है, कहाँ बैटरी होती है, और ऑटोमोबाइल में कहाँ पर इंजन होता है, कहाँ पर वो चेसिस होता है, किस टाइप से लोग करते हैं। तो जो हमारे जो जो कार्स आती है, एसयूवी कार है, किस कितने टाइप की कार आती है, फर्स्ट है एसयूवी, सेकेंड है हैचबैक, थर्ड है सेडान, एमयूवी, ये चार मेन कार्स है। बाकी और भी कुछ कार्स रहती हैं, इन चारों के बारे में बात करते हैं। एसयूवी मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। जैसे आपकी स्कॉर्पियो है या बोलेरो है या फिर बड़ी जो कार्स है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा रहता है, टायर बड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं एसयूवी। और अभी जो जैसे आपने देखेंगे आपकी जो ब्रेजा आती है, मारुति सुजुकी ब्रेजा है, हुंडई की क्रेटा है, या फिर वेन्यू है, या फिर डस्टर है, ये सब आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी में, कॉम्पैक्ट एसयूवी। मैं आपको इस चीज के बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कि पावर ट्रेन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप कोई भी चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करें उसका या फिर नॉर्मल कार करें, आपको ये पता रहना चाहिए कि इंजन कहाँ पर लगा हुआ है, किस पोजीशन में लगा हुआ है, किस गाड़ी में प्रोपेलर शाफ्ट है, किसमें डिफरेंशियल रियर में, किसमें फ्रंट में। तो आप इन नेम से आप पता लगा सकते हैं कहाँ पर क्या चीज है। हम लोग अगर एसयूवी की बात करें, एसयूवी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, तो इसमें पावर ट्रेन में आपको दिखाता हूँ, ये आपका है चेसिस, ये हमारे दो मेन मेंबर है चेसिस के फ्रेम्स, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये है 1 2 3, ये है हमारे क्रॉस मेंबर्स जो कि चेसिस में अटैच रहते हैं। मोस्टली जो हमारी एसयूवी है वो रियर व्हील ड्राइव आती है सारे 99%। ये हमारा हो गया डिफरेंशियल, यहां पर आपका एक व्हील और यहां पर आपका दूसरा व्हील, मतलब डायग्राम और क्लियर कर देता हूं इस आपको समझ में आ रहा। ये हमारा चेसिस, ये हमारा डिफरेंशियल, ये हमारा व्हील्स, ये हमारे क्रॉस मेंबर्स। अब यहां पर हमारा जो जो, जो फ्रंट पे रहता है इंजन, इसके बाद क्लच प्लेट, और क्लच प्लेट के बाद गियर्स,
पहले हमारा इंजन, फिर हमारा ये वाला इंजन, फिर हमारा क्लच प्लेट, फिर हमारा गियर, गियर के बाद प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट मींस कि जब आप अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे तो इंजन से पावर कहाँ जाएगी, पहले क्लच प्लेट में, क्लच प्लेट से पावर जाएगी गियर में, गियर से पावर जाएगी प्रोपेलर शाफ्ट में, प्रोपेलर शाफ्ट से पावर जाएगी हमारे डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल से एक्सल के थ्रू हमारी पावर जाएगी व्हील्स में। ये रहता है हमारा 4x2 मॉडल। 4x2 मींस कि आपके जो व्हील्स है, आपके जो एसयूवी है उसको टोटल व्हील कितने हैं, 4, और टोटल 4 व्हील की पावर सिर्फ डिलीवर कितने व्हील्स को हो रही है, एक इसको तो टोटल पावर डिलीवर है 2 व्हील्स। तो ये वाला जो एसयूवी कौन सी होगी आपकी, 4x2। अब आपने देखा होगा बहुत सारे एसयूवी आती है 4x4 जिसमें रियर में भी एक डिफरेंशियल रहता है और एक फ्रंट में भी एक डिफरेंशियल रहता है, और गियर बॉक्स के संग संग क्या अटैच रहता है, ट्रांसफर केस। पूरा प्रोसेस वही रहता है, चीजें वही रहती हैं। गियर बॉक्स में हम लोग क्या अटैच करते हैं, ट्रांसफर केस, और ट्रांसफर केस से एक प्रोपेलर शाफ्ट कहां निकल के जाती है, फ्रंट में आगे के लिए, जो कि आगे का जो डिफरेंशियल है इसमें हो जाती है कनेक्ट, और इस डिफरेंशियल से भी पावर कहां जाती है आपके व्हील्स में, फ्रंट व्हील में। तो ये अब इस ये मॉडल कौन सा हो गया हमारा, 4x4 मींस आपके एसयूवी व्हील में टोटल कितने व्हील थे, 4, और टोटल 4 व्हील में से पावर कितने में जा रही है, 4 व्हील में। तो ये होता है 4x4। ये रहता है आपका एसयूवी मॉडल। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर आप यूज करेंगे तो इसी टाइप से सेम फंक्शनलिटी में आप कर सकते हैं, जैसे ये आपका एसयूवी का चेसिस, ये आपका पीछे डिफरेंशियल, यहां पर आपने इंजन की जगह रिप्लेस करके आपने इलेक्ट्रिक मोटर आपने यहां पर यूज कर ली, इलेक्ट्रिक मोटर से आपने कनेक्ट किया अपने ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन से प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू होते होते पावर कहां गई आपके डिफरेंशियल, तो चेंजमेंट से यहां पर आए। जो हमारे जो पेट्रोल कार में डीजल कार थे उसमें फ्रंट पे रेडिएटर भी लगता है, वो भी हमारा कुछ भी यूज नहीं है क्योंकि हमको नहीं चाहिए। अब जो इसकी बैटरी आती है, बैटरी से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। बैटरीज की लोकेशन पे ये कंपनी डिफाइन करती है किसकी क्या रेटिंग रहेगी। लाइक टेस्ला का एग्जाम्पल लीजिए, तो टेस्ला का जो कार का जो फ्लोर है नीचे, तो फ्लोर में बैटरीज को यूज करते हैं और इसलिए उसकी पावर रेटिंग सॉरी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार। ऐसे टाटा की नेक्सोन है, तो बैटरी हमारा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बाकी हम लोग पूरा डीपली उसमें देखेंगे BMS में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में आपको बैटरी कहां कहां लगा सकते हैं। मैंने बस आपको बताया कि एसयूवी में जो नॉर्मल पेट्रोल कार रहती है उसमें हमारा कहां पर रहता है इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। सेकेंड हम लोग बात करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी की। कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये हमारी जो एसयूवी रहती है ये सेम रहती है, लेकिन हमारी जो एसयूवी थी ये रहती है मोस्टली 7 सीटेड। 7 सीटर, फर्स्ट रो ड्राइवर कंडक्टर, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो रहती है, जैसे हमारी इनोवा है, स्कॉर्पियो, बोलेरो है, टाटा सफारी है। और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी रहती है ये रहती है हमारी 5 सीटर। इसमें जो पावर ट्रेन जो रहती है हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये रहती है फ्रंट व्हील ड्राइव, मींस कि इसमें रियर में कोई डिफरेंशियल नहीं होते, रियर में इनमें कहीं भी प्रॉपर शाफ्ट नहीं होती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें, सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी, इसमें जो इंजन हम लोगों ने स्टार्च लगाया था, इंजन, क्लच प्लेट, गियर, प्रॉपर शाफ्ट और डिफरेंशियल, ये हमारा इंजन का फ्रंट है, ये इंजन का बैक है। अब हमारा इंजन जो इस तरह से जो इंजन जो लगा हुआ था कॉम्पैक्ट एसयूवी में, जो हमारी कार की जो एक्सिस थी इसमें, अब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो इंजन की डायरेक्शन है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है, ऐसे की जगह ऐसे, तो जो हमारा पूरी पावर ट्रेन थी वो पूरी कॉम्पैक्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर व्हीकल ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। यहाँ पर ये आपका रहता है इंजन जो इस एक्सिस में,
डिस्कस में हम लोग लगाते क्लच प्लेट्स, क्लच प्लेट के संग रहता हमारा गियर, और गियर के संग अटैच रहता हमारा डिफरेंशियल गियर। ये ट्रांसमिशन हो गया और ये डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल से एक शाफ्ट यहाँ पर फ्रंट व्हील के लिए और दूसरी शाफ्ट यहाँ पर फ्रंट व्हील के लिए, और ये पीछे नॉर्मल व्हील्स है। तो ये जो हमारा पावर ट्रेन है ये रहता है हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स, फ्रंट व्हील ड्राइव। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर अगर आप यूज करेंगे तो आप अभी कॉम्पैक्ट कम जगह में यूज कर सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बाद डायरेक्टली ट्रांसमिशन फिर कंबाइंड विद डिफरेंशियल, एक पावर इसमें ली दूसरी पावर यहाँ पे भी, और आपके पूरी व्हीकल ड्राइव हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसमिशन डिफरेंशियल, यहाँ से पूरा के पूरा जो पीछे का एरिया ये पूरा खाली है आपके लिए, जिसमें आप बैटरीज को इजीली लगा सकते हैं पूरे एरिया। 99% जो कार इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है वो सब इसी बेस पे आ रहा है, चाहे वो टाटा की नेक्सन हो, चाहे वो कैमरी हो, चाहे वो एकॉर्ड हो, चाहे वो बहुत सारे जो भी कार्स इलेक्ट्रिक अभी इंडिया में है, तो महिंद्रा की जो वेरिटो हो, वो सब इसी कॉम्पैक्ट पे आ रही है फ्रंट व्हील ड्राइव पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ रहती है या फिर इंजन रहता है, इंजन से ट्रांसमिशन से पावर लॉस होती है, तो प्रॉपर शाफ्ट लॉस होती है, तो डिफरेंशियल मतलब जितना लंबा आपका पावर ट्रेंड होता जाएगा पावर लॉसेस भी उतने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो पावर लॉसेस को हटाने के लिए इसलिए आपने देखा होगा स्कोर में आप अगर देखें तो 11 बार के बारे का 13 का सफारी का देखते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे आपने डस्टर है, क्रेटा है, इनका 18, 20 तक इनका एवरेज है, क्योंकि पावर लॉसेज है, पावर ट्रेंड है वो छोटी कर दिए और एफिशिएंसी में इंक्रीज हो गई। तो इसी टाइप से जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है इसी टाइप से हमारी ये जो हैचबैक कार है, हैचबैक मींस इंडिगो आती है वो सेडान कार है, क्योंकि उसमें पीछे डिग्गी है, कंपार्टमेंट है सामान लगेज कंपार्टमेंट। स्विफ्ट जो है वो हैचबैक है जिसमें अलग से डिग्गी नहीं है, छोटा सा कंपार्टमेंट लगेज का। स्विफ्ट की जो डिजाइन है वो सेडान है। आपका बहुत सारी कार के एग्जाम्पल है, जैसे टाटा इंडिगो में, टाटा इंडिगो की जो इंडिगो देखेंगे वो सेडान कार है, इंडिका है वो हैचबैक है, और मारुति ऑल्टो, मारुति 800 हैचबैक है। तो उनमें भी ये सब सिस्टम रहता है फ्रंट व्हील ड्राइव, जो सेडान रहती है उसमें अलग से कंपार्टमेंट रहता है। 99% जो सेडानों में फ्रंट व्हील ड्राइव रहती है, 1% लाइक ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर में रियर व्हील ड्राइव रहता है। जो आगे का जो वीडियोस हम लोग देखेंगे पावर ट्रेन रिव्यू, उसमें हम लोग आपको जो ऑडी मर्सिडीज कार जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में है उनको आपको दिखाएंगे नीचे से कि किस तरह से प्रॉपर यूनिट उसमें जा रही है। एमयूवी मतलब मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ऐसे व्हीकल की जिनको आप पैसेंजर के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज उनको आप लगेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक बॉलर कैंपर यूटिलिटी व्हीकल देखे होंगे, जिसमें पीछे जो बॉडी रहती है वो हाफ बॉडी रहती है, कंटिन्यूस में कुछ भी आप स्पेयर सामान रख सकते हो, आगे कंपार्टमेंट रहता है। मारुति सुजुकी ओमनी वैन देखी होगी जिसमें हम लोग पैसेंजर को भी रख सकते हैं और अगर सीट को निकाल के उसको ऐसे हम लोग लगेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की कार आती है, उनको बोलते हैं एमयूवी, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, किसी टाइप में भी यूज कर सकते हैं पैसेंजर एज वेल एज लगेज के लिए। तो ये चार पांच ये जो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, हैचबैक, सेडान, क्रेटा, ये सब क्लास हमारे इंडिया में आती है और मोस्टली आउट ऑफ इंडिया में 90% क्लास ये सब आती है, जिसमें हम लोग का पावर ट्रेन इस टाइप से रियर व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव रहता है। इसका अभी मैं आपको एक वीडियो हम लोग आपको मैं बताता हूँ इनका किस टाइप से पावर ट्रेन और इलेक्ट्रिक मोटर हमारी कार्स में अटैच रहेंगी और किस टाइप से इंजन यूनिट हमारी कार में अटैच रहेगी, किस टाइप से पावर यूनिट आगे जाती है। और जो हमारा इंट्रोडक्शन जो वीडियो था वो लेसन इसलिए जरूरी था कि आपको पता लगे इन चीजों के बारे में कि ऑल ओवर कार में इंजन किस टाइप से काम करते हैं, इंजन कहाँ लगा रहता है, इंजन को रिप्लेस करके आपको ड्रॉइंग बनानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, आपकी कहीं किसी कंपनी में जॉब लग जा रही है तो आपको पता है कि इंजन के बाद क्या चीज होती है, उसके बाद क्या चीज, उसके बाद क्या चीज, हम लोग को क्या क्या चेंज करना है। या फिर सपोज कि जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो आपसे पूछ लिया कि आपको इलेक्ट्रिक हमारे पास स्विफ्ट डिजायर है, इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक में हमारी कंपनी लॉन्च करना चाहती है, तो हम लोग आपको एज इंजीनियर अपॉइंट करते हैं, तो आप क्या क्या पार्ट उसमें से हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर को, तो आपके सडनली आपके माइंड में वो चीज रहनी चाहिए, हाँ इंजन हटेगा तो क्लच पेट हटेगी और उसके संग ये रेडिएटर हटेगा, बाकी सारे इंजन को जो चीजें काम करते हैं वो सब हट जाएंगी, पावर ट्रेन में रियर व्हील ड्राइव देंगे या फ्रंट व्हील ड्राइव देंगे,
या फिर एसयूवी बनानी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी में इंजन कहाँ रहता है, किस टाइप से रहता है, तो ये सारे डाउट्स और टॉपिक्स हम क्लियर होना जरूरी है। डायरेक्टली आप ये नहीं बता सकते सर ये मोटर कहती है इतना बीएलडीसी जाता है, इसमें इतना वोल्टेज जाता है, नहीं। पहले आपको बेसिक से ही स्क्रैच से ही आपको सीखना पड़ेगा, सब चीज के बारे में नॉलेज होनी पड़ेगी कि ऑटोमोबाइल अलग ऑटोमोबाइल कैसे काम करती है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसमें कैसे काम करता है, दोनों में क्या चेंजमेंट होता है, कैसे हम लोग इन चीजों को बता सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक हम लोग सब चीजों को क्लियर करेंगे जो मैंने बेसिक बेसिक आपको बताई है बहुत ही कम टाइम में कि क्या रहता है, इंजन कैसे काम करता है। जो टॉपिक्स हमारे लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, मैंने कल भी आपको ऑनलाइन वीडियो में जूम में अपने आपको हम लोगों ने जो आपको लाइव मीटिंग करते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वो कैसे काम करते हैं, मोटर कैसे लगेंगी, मोटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, वायरिंग कैसे होती है, कंट्रोल कैसे लगेंगे, एसी सिस्टम कैसे होता है, बैटरी कैसे होती है, चार्जिंग कैसे होती है, फास्ट चार्जिंग सिस्टम कैसे करेंगे। ऐसे हम लोग कार्स में भी देखेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग ऑनलाइन उसमें देखेंगे किस टाइप के इंजन आते हैं, अभी जो BS6 टेक्नोलॉजी वो किस टाइप से काम करती है, या फिर ये सब हम लोग डीपली टॉपिक वाइज हम लोग आपको बताएंगे, कुछ 10-20% थ्योरेटिकल और 80-90% प्रैक्टिकली ऑन वर्किंग कार विद मर्सिडीज ऑडी की कार्स के संग पूरे इंजन को डिसमेंटल करके असेंबल करके और इलेक्ट्रिकल बात इलेक्ट्रिक कार में मोटर इंस्टॉल करके बैटरी इंस्टॉल करके और एक वर्किंग इलेक्ट्रिक कार बना के हम लोग आपको वीडियो शूट करेंगे। डेली आपको टाइम देना, डेली आपको वीडियोस को देखना, जो भी आपको डाउट्स हो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं, नहीं बने हुए तो हमारी कंपनी में बात कर सकते हैं, हमारी एचआर टीम से ग्रुप में आप आके डेली आप जो भी कुछ क्वेरी करते हैं डेली पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और आपका जो भी जूम पे कोई भी आपका डाउट है हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू भी फेस टू फेस लेक्चर लाइव लेक्चर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर जो आपको डाउट है उस पर भी हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ ये 15 डेज का टाइम भी आप लोगों के पास है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं 14-15 डेज उसके साथ साथ ही विद इन 6 मंथ के अंदर 15 डेज के लिए आप हमारा कोई भी ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपने ऑनलाइन सीखा है वर्चुअली सीखा है उसको आप प्रैक्टिकली देख पाए कि आपने ऑनलाइन आप लोगों ने आपको क्या बताया, तो ये सब चीजें हैं। तो वीडियो में आपको एंड वीडियो आपको मैं बताऊंगा, सब चीज वीडियो आप देखिए, पावर ट्रेन ऑफ आइसिंग, पावर ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। थैंक यू।